بسم الله الرحمن الرحيم میرے محترم صافی حضرات اس اہم پریس کانفرنس جو کہ ہمارے علاقے کیلاسہ پلہ اور تحصیل لوئی بند کے حوالے سے یہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے یہ دیرینہ مسئلہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے کیونکہ ہمارے ٹرائب کے کمالی قوم کے جو ہمارے متبرین ہے ان لوگوں نے بارہا کوششیں اور اپلیکیشنز ڈی سی اور ایسی کلیکٹرز اور تمام اداروں کو دیے جا چکے ہیں لیکن ان کے باوجود کہ ڈپٹی کمیشنر کیلاسہ پلہ نے 14 اکتوبر 2019 کو 2020 کو ان کے جو کہ ہمارے علاقے کو ہمارے ہی اراضیات کو اکوپائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کو رپورٹ کرنے کی باقاعدہ طور پر آرڈر نمبری ہے 10/44 کے تحت ان کو رپورٹ کرنے کی آرڈر جاری ہو چکے ہیں اس کے باوجود کچھ شرپسند عناصر اور ان کے پس پردہ ایسے عناصر جو ہمارے علاقے کو اکوپائیڈ کرنا چاہتے ہیں اور ہما جگہ یہاں پہ ایک دہشت گردی کرنا چاہتے ہیں باقاعدہ طور پر ہمارے ہی ٹرائب کے لوگوں نے کچھ عرصے پہلے ایک چیز کی نشاندہی ضلع انتظامیہ کیلاسہ پلہ کو کروائی کہ یہ لوگ باقاعدہ طور پر افغانستان سے ایک ٹنل نکال کے اور ہمارے علاقے میں داخل ہوتے ہیں اور یہاں پہ شرپسندی اور دہشت گردی اور مختلف طریقوں سے ہراساں کرتے ہیں لوگوں کو لیکن ان کے اوپر کوئی بھی عمل درآمد آج تک اپ ڈیٹ ہونے تک آج تک اس کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہ تو ضلع انتظامیہ میں لائی گئی ہے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی ہے کچھ شر پسند عناصر جو کہ ہمارے پاکستان میں ان کے پس پردہ ہے جو ہمارے ضلع کو جو ہمارے تحصیل کو جو ہمارے موضوع کو یہاں پہ اکوپائیڈ کرنا چاہتے ہیں میں اس پریس کانفرنس کے توسط سے ضلع انتظامیہ اور صوبائی گورنمنٹ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ہمارے علاقے میں کوئی بھی دہشت گردی ہوئی ان کی تمام تر ذمہ داری میں انتظامیہ اور صوبائی گورنمنٹ پہ عہد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ کئی بار ہمارے ٹرائب کے لوگوں نے ان کو اپلیکیشنز دیے ہیں کہ ان کو منع کر دیا جائے جو ہمارے اراضیات کو اکوپائیڈ کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے باوجود کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوئی لہذا میں یہ کہنا چاہتا ہوں
के इंतज़ामिया को बताना चाहता हूँ और इनको कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे इलाके में कोई भी दहशतगर्दी हुई, कोई भी एक ऐसी कदम उठाई गई, तो इनकी तमाम तर जिम्मेदारी मैं साफ साफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, देसी साहब, इसी साहब, तहसीलदार साहब, आपके घरेबान तक काम पहुँचेंगे, आपको घरेबान से पकड़ेंगे और आपको ये काम करना पड़ेगा और इन लोगों को हमारे इलाके से बंद करना पड़ेगा। कुछ इनके अनासिर जो है हमारे इलाके में दाखिल हो चुके हैं और यहाँ पे टनल निकाल चुके हैं और इसके बावजूद कि हम लोगों ने इसकी निशानदेही भी करवाई है, इस वजह से कि यहाँ पे एक मिनट, दूसरी बात यह है कि 1893 में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की ड्यूरेड लाइन पे एक मुआहदा तहरीर हुआ था, उस मुआहदे के मुताबिक इन लोगों को बाकायदा तौर पर अफगानी डिक्लेयर किया गया था। उसकी मुआहदे की पासदारी अब तक कोई अमल में नहीं आई गई। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के जहाँ पे नंबरी ज़मीनात होते हैं, अराजियात होते हैं, उसकी अनसेटल्ड ज़मीन जो हमारे शामिलात होते हैं वो भी इसी ट्राइब के होते हैं, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने कोई पाकिस्तान की इंतज़ामिया बल्कि किला सेपुल्ला की इंतज़ामिया ने इन पे इन लोगों को कोई अमल दरामद ना करवाया गया है। दूसरी बात यह है कि कुछ शरपसंद अनासर जो कि कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन इनके पास कोई भी सबूत जो कि 1973 से पहले हो या 1973 के बाद हो, उस वक़्त तक हमारे जो इलाके के अपने बाशिंदे हैं उनके किसी भी ब्रांच में, किसी भी ट्राइब के ब्रांच में इन लोगों का कोई ताल्लुक और वास्ता ना है और इन लोगों के पास कोई भी ऐसे सबूत मौजूद नहीं है जो कि पाकिस्तानी होने का सबूत पेश कर सके। तो दूसरी बात ये है कि असिस्टेंट कमिश्नर, डीसी, तहसीलदार, इन तमाम से हम ये दरख्वास्त करते हैं बजरिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के और आप ही लोगों की तवसुत से कि इन लोगों को डिपोर्ट किया जाए और जो टनल इन लोगों ने बना रखे हैं उनको बंद कर दिया जाए ताकि हमारे इलाके को, हमारे अराजियात को नुकसान न पहुंच सके और हमारे इलाके के इन गरीब आवाम को नुकसान न पहुंचाया जा सके। अगर इनके बावजूद मैं ये कहता हूं कि अगर इन लोगों ने इन पे अमल दरामद ना करवाई गई तो इनसे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, तो इनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है मैं इंतज़ामिया के ऊपर डालूँगा और उनके पसे पर्दा जो अवामिल है उनके ऊपर डालूँगा और सूबाई हुकूमत से मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि ज़िलाई इंतज़ामिया को ऑर्डर करे कि इन शरपसंद अनासर को हमारे इलाके से बंद किया जाए। वसलाम। नहीं नहीं अजय सर, ये आपकी बात बजा है कि ये अनासिर आज से पहले और बॉर्डर डिक्लेयर होने के पहले या जो आज बादिनी की बॉर्डर को बनाया गया है उनसे पहले ये अफगानिस्तान में थे और अफगानिस्तान में है
और अब ये लोग जो है हमारे अराजियात को ऑक्यूपाइड करना चाहते हैं, यहाँ पे इनकी कोई ताल्लुक वास्ता ना है। जो एक साल हो चुका है, आप कह रहे हैं कि एक साल से ये बॉर्डर बन चुकी है, उनसे पहले यहाँ पे आमद और रफ्त होती थी, इन लोगों की आमद और रफ्त होती थी कि ये इलाज मालजे के लिए पाकिस्तान में अपने पेशेंट्स लाते थे और इसी रास्ते से जाते थे। ये 40 साल से नहीं, 40 दिन भी यहाँ नहीं रह चुके हैं, ना ये आबाद हो चुके हैं यहाँ पे। यहाँ पे इन लोगों का कोई भी कोई ऐसा रिकॉर्ड मौजूद नहीं है कि वो ये जाहिर कर सके कि ये यहाँ पे हम लोगों की अराजियात हो।